नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, इंडियन रेलवे 25 अक्टूबर से सभी ट्रेनें शुरू करने जा रही है। लॉकडाउन से पहली जैसी ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें, देश के किसी भी कोने से अब आप अपने घर जा सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने झारखंड बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों के लिए 25 अक्टूबर से ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। आपको बता दें, दुर्गा पूजा से छठ के बीच चलने वाली सभी ट्रेन स्पेशल ट्रेन होंगी। अलग अलग रेलवे जोन से मिले प्रस्तावों को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इनमें झारखंड से 9 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी, रांची से जयनगर, रांची से पटना, रांची से हावड़ा, टाटा से हावड़ा ट्रेन शामिल है। रेलवे बोर्ड ने हटिया से लोकमान तिलक टर्मिनल के साथ साथ हटिया से यशवंतपुर, टाटा से यशवंतपुर और टाटा से पटना ट्रेन को भी हरी झंडी दे दी है। बिहार और पश्चिम बंगाल से भी अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेनों को हरी झंडी मिली है। सियालदह से जयनगर, न्यू जलपाईगुड़ी से जम्मू तवी के लिए ट्रेन को भी मंजूरी मिली है, तो हावड़ा से रक्सौल के बीच चलने वाली ट्रेन को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा दोस्तों, बिहार के गया से नई दिल्ली, पटना से मुंबई, दरभंगा से मैसूर, राजेंद्र नगर से जम्मू तवी, रक्सौल से जम्मू, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, बरौनी से केरल के एर्नाकुलम, राजेंद्र नगर से हावड़ा, गया से चेन्नई, पाटलिपुत्र स्टेशन से यशवंतपुर के लिए भी ट्रेन 25 अक्टूबर से चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, एलटीटी से दरभंगा, पुणे से दरभंगा, आनंद विहार टर्मिनल से रांची, आनंद विहार से दरभंगा, आनंद विहार से बरौनी, आनंद विहार से जयनगर, आनंद विहार से भागलपुर 25 अक्टूबर से चलेंगी सभी ट्रेन। लॉकडाउन से पहली जैसी ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें, 30 नवंबर 2020 के बाद भी इन ट्रेनों का परिचालन होगा। इसका फैसला यात्रियों की संख्या को देखते हुए बाद में लिया जाएगा। 196 स्पेशल ट्रेनों में पूर्व रेलवे से 8 ट्रेनें चलेंगी और दक्षिण पूर्व रेलवे से 16 ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे को मिलाकर कुल 24 ट्रेनें चलेंगी। तो दोस्तों, 25 अक्टूबर से चलेंगी सभी ट्रेन। और दोस्तों, इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो ये भारतीय रेलवे से बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब सभी लोग यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।